सो ये गाइस कैसे आप समझ मतलब आप सब बढ़िया होंगे। तो यार व्लॉग्स काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहा मैं, तो अब रेगुलरिटी से व्लॉग आएंगे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। मौसम आज का आप चेक मारिए, प्रयागराज का ये मौसम है और आज मैं बनाने वाला थोड़ी इंडियन टाइप बीट, हिप हॉप एक्स इंडियन, मतलब फ्यूज़न करें कुछ अच्छा सा सितार वितार टाइप का निकालने की कोशिश करेंगे। तो बनाएंगे बीट आज और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं करूँगा आज, तो फिर मैं अभी दिखाता हूँ, मुझे भी नहीं पता। बीट काफ़ी अच्छी मैं बनाऊँगा आज, मतलब कि मैंने जो सोचा है काफ़ी दिन सोचा हुआ था कि हिप हॉप एक्स इंडियन कुछ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉलीवुड सैम्पल्स उठा के देखिए क्या बनाता हूँ, मुझे भी नहीं पता। एंड लेट्स गो। सो हे ब्रदर्स, तो भाई बहुत अनयूजुअल सा मौसम है ये, मतलब कि गर्मी में ऐसा मौसम यूजली होता नहीं है मार्च वार्च में, बट यार चेक मारो मौसम क्या सुहाना मौसम हो रहा है। और मतलब बादल वादल की देख रहे हो कैसा शॉट आ रहा है तुम्हारे भाई का। हाँ तो फिर मतलब काफ़ी अच्छा है, तो लेट्स गो, चलिए कुछ करते हैं तगड़ा। बेसिकली ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की है, मतलब एक दो दिन, हाँ एक दो दिन की बात की है शायद, क्योंकि मेरे बीच में शोज आ गए थे तो मैं चला गया था वहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ों में बिजी था और शोज का ब्लॉग भी नहीं बना पाया, तो सॉरी। आप अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स दिया था। तो बीट ऑब्वियसली मैंने उस दिन ही बना दी थी, क्योंकि मैं जो टास्क लेता हूँ एक दिन का मैं उसी दिन कम्प्लीट करता हूँ, तो मेरा ये है थोड़ा सा। तो बीट मैंने उसी दिन बना दी थी, आप बस चेक मारिए और मैं आपको बताऊँगा बीट मैंने किया क्या क्या था, और मतलब थोड़े से एफेक्ट्स, थोड़ा सा मतलब मेलोडी से छेड़छाड़ किया था ज़्यादा अच्छे से। बस आप बताता हूँ आपको, पहले स्टार्ट होती है बीट हमारी इस ड्रम से जो कि मैंने बनाया था प्रिकशन का, इंडियन का ग्रूव बनाया था पहले मैंने ये बीट। तो इसमें नॉर्मली बस वही ऐसे करके पूरा रिवील हो जाता अभी तो सिस्टम, तो ऐसे करके पूरा बनाया हुआ था एक मिनट। हाँ ये तो उसके बाद क्या नाम है, काफी चीजें थी तो हाँ तो ये बनाया ये ग्रूव एक। इस ग्रूव के बाद मैंने एक सैंपल उठाया ये वाला, इसको जिस टाइप से मैंने फ्लिप किया एक जगह पे, एक मैं सुना रहा हूँ ऐसा ही सब। और उसके बाद काफी ज्यादा बॉलीवुड सैंपल्स के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 808s एंड बॉलीवुड सैंपल्स, ये बॉलीवुड सैंपल मैंने उठाया है सागर, मतलब ये गाने का सुनिए, थोड़ा सा पिच पे टाइम पे छेड़ा, थोड़ा सा शायद इसमें रिवर्ब वगैरह भी डली हुई है कि बीट मुझे बनाए हो गए हैं दो तीन दिन, तो फिर हाँ एक कॉन्वोल्वर और एक पैरामीटर की ईक्यू से मैंने थोड़ा सा ये बस टेलीफोनिक इफेक्ट नॉर्मली दिया है। बाकी एक मैंने उठाई है लूप बूम बॉक्स की, और सर ये नहीं है, सो बेसिकली काफ़ी लोग ये होते हैं ना कि इंडियन सैम्पल के साथ मुझे कई बार लोगों ने पूछा है, मतलब वैसे कमेंट्स में नहीं, मतलब लाइव जो लोग मिलते हैं वो कभी कभार ये पूछ लेते हैं यार इंडियन जो भी ग्रूव है जो भी आपका लूप है इसके साथ आप ड्रम्स को कैसे पैच करोगे। तो आप समझोगे अगर कि एक इंडियन ग्रूव जब आप बनाते हो तो उसमें भी आप बेसिक जो लेते हो किक स्नेयर वो सेम रहता है। अगर आप मैं सुनाऊँ आपको इसमें ग्रूव में अपने एक धिक चक, मतलब एक किक एक स्नेयर टाइप का साउंड है उसके अराउंड सबको रिवॉल्व करता है। लाइक आप एक मेलोडी बनाते हो या फिर एक कॉर्ड जो लीड होती है उस लीड के इर्द गिर्द सब कुछ रिवॉल्व करता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो लीड के बाहर रिवॉल्व करेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रम्स ऐसे ही उठा लो आप, या फिर ड्रम वहां पे होने चाहिए जहां पे ग्रूव के पास जगह नहीं है, मतलब ग्रूव में जगह है, या फिर वहां ड्रम्स गिरे, या फिर जैसा ग्रूव है वैसे ड्रम्स गिरे। तो ये ड्रम्स जो है और ये जो ग्रूव है आप सुनिएगा, जहां पे ग्रूव में जगह है वहां पे ये गिर रहा है, इसका जो वाला शेकर टाइप का है वो क्लैप है। कवाली वाला जो तक ये लग रहा है, ठीक है। फिर इसमें मैंने एक एफएक्स ऐड किया है वो कार का, ठीक है, और ये वही नजरों का सैंपल,
ठीक है, नहीं गजल नहीं है भाई, सागर करके है, और राजेश खन्ना का एक ऑडियो सैंपल मैंने उठाया, और एक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चित सैंपल जिसको आप कह सकते हैं, वो ये वाला था जो मैंने अभी उठाया इसमें। सुनते हैं सुनते हैं, बीट नहीं सीधा सुनते हैं क्या मैंने उठाया था और क्या बना है अभी ये। एंड दिस बीट इज लाइक फायर ग्रूव है इस बीट में, और काफ़ी जल्दी क्या पता किसी गाने में आपको ये बीट सुनने को मिल जाए मेरे, क्योंकि बना दिए भाई, कोई ना कोई उठाएगा इसको अब। हाँ, साइड कर रहा था, ठीक है सुन दे वहां पे मेरे कस्टमाइज बार्स में, लेट्स गो। सुनिए मतलब ये जो सैंपल्स वगैरह है, जो एफएक्स वाला खेला है ना ये इससे, और ये 808 एक, हाँ 808 तो दिखाने ही भूल गया, 808 की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, कभी ज़्यादा लोग पूछते हैं भाई 808 मतलब कैसी बना रहे हो कैसे, तो ये मैं दिखा दूँ आपको, होल्ड रखना है आपको 808 में, क्योंकि आप जो बजाओगे ना तो होल्ड रहे 808, और अटैक आपको एकदम जीरो रखना है, क्योंकि आप जहाँ छुओ तुरंत हो जाए। रिलीज कम, क्योंकि रिलीज वगैरह आप बढ़ा दोगे तो आप इसको छोड़ के दूसरे नोट पे जाओगे ना तो वो कट नहीं करेगा, देखिए देखिए कट कर रहा है, वो ऐसे कट नहीं करेगा, ठीक है समझ ही आया होगा आपको, नहीं तो फिर आप बताइएगा, किसी दिन आपको बता दूंगा मैं 808 कैसा सीन करना। यहाँ पे एक EQ का वो लगाया हुआ है, मिक्स एनवेलप, ताकि वो ट्विक कर जाए और वहाँ पे ख़त्म हो। डंग सुनते हैं तो आप सुनेंगे अभी से, आप हूँ तब बीट नहीं आ रहा हम लोग इसको सुनेंगे, एंड ग्रूव है भाई, ग्रूव है बीट में, तो खड़ा होके बाल भी तो हिलाना है अभी, तो चलिए लेट्स गो सुनते हैं अभी से, 1 2 3 गो। ये राजेश खन्ना वाला सैंपल, एंड दैट्स योर फेवरेट सैंपल ब्रदर्स, सुनना। दिस इज योर बॉय अभी म्यूजिक, अच्छा रैपर आएगा इस पे, या फिर अच्छा कोई भी आर्टिस्ट रैपर ही नहीं तो ग्रूव दे सकता है वो गाने को, क्या होता मैं ही उतरूँ, मैं तो वैसे रैप रैप कम करता हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं, आप रैप ना कर दिया हूँ अपा जिते कुड़े पहुँच गया जट भाई। अपने को पंजाबी गाने पसंद है, इसी थोड़ा सा मेरा गाने उधर के मतलब उधर के टच क्या मतलब कि हल्का सा पंजाबी टच में रहते हैं, कि हाँ स्क्रैचेस हैं, सैंपल्स हैं, और बॉलीवुड है, लाइक ग्रूव है। इंडियन वाले मेरी जितनी बीट होगी आप समझोगे तो उसमें ग्रूव है, ओल्ड स्कूल पंजाबी ये सब पूरा इंडी ग्रूव रहता है, तो फिर वो मैं रखता हूँ, सिर्फ एक ठेठ नहीं कि ढोलक पे रख दिया तबले पे रख दिया वो नहीं रहता मेरे में। सो अब इस जो इस बीट की मिक्स तो अभी मैंने किया नहीं है, कुछ भी नहीं छेड़ा है मिक्स में, शायद इस सैंपल पे कुछ छेड़ा होगा मैंने, ओए कुछ नहीं छेड़ा गया, हाँ छेड़ा है इस पे एक पैरामेट्री EQ, और पहले वाले पे आप देख सकते हैं जो ये मतलब आपका वो वाला अरब टाइप सैंपल चल रहा है, उस पे मैंने एक ग्रॉस बीट का जो फिर लास्ट स्टार्टिंग में ट्विक होता है ना वो ग्रॉस बीट के साथ होता है, इसके साथ ये, और ये अभी आपको देखो पैरामेट्रिक EQ में दिखाता हूँ एक चीज, जादू देखना जादू। हाथ यहाँ पे, एक हाथ से कैमरा, एंड तो ये तो जादू नहीं था बट ऑटोमेशन से ये हो जाता है, मतलब आप किसी भी चीज को कैसे भी ट्विक कर सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे ये काफी अच्छा लगता करने में, बट करते देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ट्विक कर दिया, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसकी एक ऑटोमेशन आ गई मेरे पास, मैं यहाँ पे जाकर
इस पे कुछ बनाता हूँ पहले, ठीक है। इसमें हाफ साइन नहीं, कुछ अच्छा सा बन जाए। हाँ हाँ बन रहा है, ऐसे ही कुछ भी, एम ही डिजाइन। मुझको तो ये भी नहीं पता ये क्या शिफ्ट कर रहा है, क्या हो रहा है इससे। मैं तो कुछ भी ऐसे ही एम ही बना दे रहा हूँ, बस वो आपको दिखाने के लिए कैसे चलेगा वो। ये शिट, चलिए दिखाता हूँ, अब तो कुछ ना कुछ होगा इसमें। ये ऐसे ही हो रहा है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम अपन यहाँ से डिलीट कर देंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए वोकल्स में। ओके, जैसे आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो यार। देखो तो ब्लॉग में काफी चीजें तो मैं नहीं दिखा पाता हूँ, मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि काफी चीजें शूट नहीं कर सकता और काफी चीजें ऐसा होता है कि हाँ अभी यहाँ पे मैं जिस काम से यहाँ पहले वो करते हैं, शूट वूट तो होता रहेगा। तो ऑब्वियसली उन्हीं सब चीजों से सीख के फिर आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जो 0.12% में बता पा रहा हूँ। एंड बीट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कुछ भी बीट को लेकर क्वेरी हो तो mailbox@amstudios.com पे ये बीट आप के लिए आप आस्क कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं आस्क को। उसके बाद फिगर आउट किया जाएगा क्या हो सकता है, अगर आपको चाहिए ये बीट तो। बाकी तो रब मालिक है, कहीं ना कहीं जाएगी। और बस धन्यवाद आज के ब्लॉग के लिए, और मे भी अगला कोई स्टूडियो सेशन, अगला कोई बीट मेकिंग सेशन आता रहेगा आपके पास। जय हिंद जय भारत। गब्बरूनी अत्तर मंगौदा है कुए तो ओनली पंजाबी सॉन्ग्स ब्रदर्स।